आज हमारे साथ एक खास मेहमान जिनका नाम है वरुण कपूर। वरुण कपूर को तो आप जानते ही होंगे, आज वो हमारे साथ बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं वरुण कपूर से। हेलो वरुण। हेलो, कैसे हो? गुड, हाउ आर यू? वेल, आज हम लोग साथ मिलने वाले थे और आपको जैसे कि आपकी शूटिंग नहीं है तो आज क्या क्या करना है? बहुत सारा प्लान है, मुझे अपना प्लान बताइए क्या क्या। राइट, आज मेरी शूटिंग नहीं है, आज पूरा दिन मैं फ्री हूँ। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना बाहर जाया जाए, कोई मॉल पे जाए, खूब सारी मस्ती करे, शॉपिंग करे, खाना पीना खाए, गेम्स खेले। तो इट हैज टू बी अ फन डे टुडे, नो टेंशन, नो वरी, नथिंग, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। तो क्या क्या करना है यहाँ पे? बहुत सारी चीजें हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? पहले मेरे ख्याल से पहले हम शॉपिंग करेंगे। तो चलिए, वरुण को सबसे पहले शॉपिंग करनी है तो हम इस मॉल के अंदर जाएंगे और उनके साथ शॉपिंग करते हैं। चलिए, वरुण जानना चाहेंगे आपके शो के बारे में, किस तरह से आप मुंबई आए और किस तरह से शौर्य का जो किरदार है आपको करने के लिए मिला लाडो में? देखिए, ऐसा था, पहले मैं पुणे में था, वेयर आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो उस दौरान हमारे कैंपस में ही ऑडिशन हो रहे थे बालाजी टेलीफिल्म के, तो वहाँ पे आई वेंट थ्रू अ राउंड ऑफ ऑडिशन। फिर मैं बॉम्बे बुलाया गया, वहाँ पे मैंने ऑडिशन हुए, फिर फाइनली उन्होंने मुझे शो दिया किस देश में मेरा दिल, जहाँ पे बहुत ही छोटा सा किरदार निभाया मैंने, ज़्यादा नहीं था। ऐसे करते करते मैं बॉम्बे में रहा, काफ़ी सारे ऑडिशन दिए, खूब कोशिश की, इधर गया उधर गया, स्ट्रगल की मैंने, और फाइनली एक दिन मुझे शकुंतलम टेलीफिल्म से फोन आया हमारे कास्टिंग डिपार्टमेंट में से, और वहाँ पे मेरा एक और ऑडिशन लिया गया। एंड देन दे थॉट कि यू नो आई विल फिट इन टू द कैरेक्टर ऑफ शौर्य, और इस तरह से मुझे इस शो में, जो कि ऑलरेडी इतना अच्छा था, एक बेंचमार्क शो था, उसमें मुझे मौका मिला। एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी टू गेट दिस शो, क्योंकि ऑलरेडी इतना शो ऊपर था, नाम हो चुका था, तो साथ साथ मुझे भी काफ़ी फायदा हुआ। चलते हैं हम शॉपिंग की तरफ, क्योंकि आज आपको शॉपिंग करनी है, विंडो शॉपिंग आपको बहुत पसंद है। बिल्कुल, कम जो वक्त मिल पाता है कैसे मैनेज करते हैं आप? फिलहाल आज मैं आया हूँ इतने दिनों बाद, एक मॉल में आया हूँ, शॉपिंग के लिए आया हूँ, नहीं तो जो वक्त हमें मिलता है इतना काम करने के बाद, उस वक्त में हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि रेस्ट करें, अपने चेहरे को ठीक करें, यू नो थोड़ी देर के लिए जिम चले जाए, अच्छे से खा पी लें। तो लेकिन आज इट्स अ गुड डे, मैं बाहर आया हूँ, सो आई वांट टू हैव लॉट्स ऑफ फन। तो मतलब आज पूरा इरादा है पूरी फुल मस्ती, पूरा फुल मस्ती। और तो चलिए फिलहाल इस शॉप में देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। Yes, चलिए पैंटलूंस। चलो पहले किधर चले जहाँ पे हम देख सकते हैं किस साइड चलना चाहिए आपको? टी-शर्ट लेने हैं? या विल लुक आउट फॉर टी-शर्ट। ठीक है, नाइस, गुड टी-शर्ट। चलिए आगे उधर चलते हैं और देखते हैं। हम आगे जाते हैं और क्या है यहाँ पे? और क्या है? हाँ बिल्कुल, आपको शर्ट्स पहनना ज्यादा पसंद है या टी शर्ट? ज्यादातर तो मैं शर्ट्स पहनता हूँ, मुझे शर्ट्स ज्यादा पसंद है। टी शर्ट्स व्हेन आई एम रिलैक्सिंग, जिम जा रहे हो या कहीं किसी दोस्त के घर पे जा रहे हो, तो डोंट माइंड वेयरिंग टी शर्ट्स एट ऑल। अच्छी लग रही है, लेकिन हम और भी चेक कर और भी चेक हैं। बिल्कुल, तो ये मैं फिलहाल अपने पास रखता हूँ। I have a t-shirt and I have a jeans with me.
आतुष और शॉपिंग तो हो गई, अब आगे क्या प्लान है, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में थोड़ा रिलैक्स होने की भी जरूरत है। यस, तो शॉपिंग हो चुकी है तो अब माइंड और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करते हैं ताकि मैं कल जब काम पे जाऊँ तो और बेहतर काम कर सकूँ। फुट मसाज आई थिंक इज नॉट अ बैड ऑप्शन, तो चलते हैं फिर और फुट मसाज लेते हैं। राइट, चलिए। वरुण आ गई आपकी जगह और आप यहाँ पे आराम से आप रिलैक्स कर सकते हैं, आपकी मसाज पर शुरू। राइट, फील्स वेरी नाइस। शायद मैं इस दौरान सो भी जाऊं तो आप मुझे उठा दीजिएगा। बिल्कुल, हम आपको उठा देंगे। सेट पे कितना सो पाते हैं, क्योंकि जब आप सोते होंगे वैनिटी में सडनली फिर से क्रिएटिव का कॉल आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेट पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, हम लोग सब लिटरली वी आर ऑन आवर फीट, हम लोग भाग रहे होते हैं। अगर हम सोचते भी है कि शायद जाके 10 मिनट आराम कर ले तो 10 मिनट या 2 मिनट भी नहीं होती, और हमारे असिस्टेंट्स है जो बुलाने आ जाते। आई विश कि मैं यहाँ पे रोज आ पाऊँ, क्योंकि मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है, इतना रिलैक्सिंग लग रहा है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वर्किंग हार्ड एवरी डे। इससे पहले कभी आपने सोचा था ट्राई करने के बारे? पहली बार ये मसाज? मैं आपको सच बताऊं तो इससे पहले मैंने आज तक कभी मसाज नहीं लिया है, तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, जबकि मैं पहली बार मसाज ले रहा हूँ, अ फुट मसाज। कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं? इट वॉज वेरी रिलैक्सिंग, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, एकदम काम, स्मूथ, ईजी, फुल ऑफ पावर फील हो रहा है। और आगे क्या प्लान है आपके? आगे बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए। बहुत बड़ा सरप्राइज? बहुत बड़ा सरप्राइज। एनी आइडिया, एनी हिंट्स? आई कैन गेस। हिंट मेरे ख्याल में हमें उस जगह चलना चाहिए और तभी देखना चाहिए, वरना सरप्राइज का मतलब खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं और देते हैं सरप्राइज वरुण को। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप बहुत बड़ा फैन क्लब जो आपका है फेसबुक पे, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से तमाम सारी आपकी जो फीमेल फैंस हैं जो आपसे मिलना चाहती हैं, तो काफी लोग जो बेकरार हो रहे थे उनमें से, उन हजारों लाखों लोगों में से हमने किसी एक को चुना है और वो Oh my God! Hi, Georgia. I'm glad to meet you. Thank you so much. Wow, this is so beautiful. Thank you so much. Beautiful candles. Yeah. And it has a nice smell. Thank you so much. से रूह तक नबी का सक, एक कप मैं अपने सेट पे भी ले जाऊंगा और इसी में मैं अपनी कॉफी पीऊंगा तेरे साथ रहे। ओह, दैट इज सो स्वीट। दिल का ये कहना है तेरी कसम हो। तो फिलहाल ज़ैनब ने तो वाकई में अचंभे में डाल दिया है शौर्य को, यानी कि वरुण कपूर को, और हमने उनसे वायदा किया था कि हम उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देंगे रैपिड फायर के लिए। नहीं, तो तो चलिए गिफ्ट मिले हैं तो आप देखें रैपिड फायर में क्या होता है। ओके, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप? अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं? अगर सच बताऊं तो आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड बट आई हैव अ सोलमेट। मतलब मेरा कोई नहीं है? नहीं, मैंने कहा गर्लफ्रेंड नहीं है, सोलमेट। तो गर्लफ्रेंड बन सकते? गर्लफ्रेंड बन सकते। ठीक है, ओके। मम्मी पापा में से सबसे ज्यादा आपको कौन प्यार करता है? मम्मी पापा में से सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? आई होप माई मॉम एंड डैड आर नॉट वॉचिंग। सबसे ज्यादा मैं कहूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि पापा प्यार करते हैं। तो मारता सबसे ज्यादा कौन है? मारा तो मुझे किसी ने नहीं है अभी तक। नहीं मॉम नहीं डैड। लेकिन मेरा झगड़ा बहुत होता था, हम मेरा बड़ा भाई है, उनके साथ मेरा झगड़ा काफी होता था, हम एक दूसरे को मारते थे और वो ज्यादा मार खाता था क्योंकि मैं छोटा था। यू बिलीव इन लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस? इट डिपेंड करता है, अगर मुझे किसी से प्यार हो गया तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी लव मैरिज, अगर नहीं हो गया तो आई एम हैप्पी व्हाट माय पेरेंट्स चूज फॉर मी।
बट आई विल प्रेफर लॉन्ग मैच। चौधरी, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, क्या आप मेरे साथ डांडिया में एक बार डांस करेंगे? डांडिया वॉन्ग उधड़ी उड़े तो भले उड़ जाए, उधड़ी उड़े तो भले उड़ जाए। वो तारो मुखड़ो मन का तारो जो बन सरका, तारो मुखड़ो मन का तारो जो बन सरका, मराया माँ कई कई था। और तो शौर्य, जब हम अंदर आ रहे थे, हम बात कर रहे थे कि हम बहुत सारी चीजें करेंगे, एक चीज आप भूल गए हैं। गेमिंग। यस, अब हम आ गए टाइम जोन में और हम खेलने वाले हैं बहुत सारे खेल। ठीक है, सो लेट्स गो एंड एंजॉय। सो लेट्स प्ले। दिस इज गोइंग टू बी अ एयर हॉकी गेम बिटवीन कुणाल एंड वरुण। कम चेक आउट। फिलहाल तो ये रॉकेट जीत गया है वरुण, पर कोई दूसरा गेम खेलेंगे जो मैं जरूर जीतूंगा। रेसिंग की गेम ट्राई करते हैं। काफी हराया मुझे, कोई बात नहीं। आपको कैसा लग रहा है हार के कुणाल? थोड़ा बुरा जरूर लग रहा है। कोई बात नहीं, हम कुछ और भी चीजें ट्राई करेंगे, लेकिन अभी सोचना पड़ेगा। चलिए आगे चलते, पर हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि इस समय मेरा मूड थोड़ा खराब है। वरुण के साथ हम बिता रहे हैं पूरा दिन, हमने गेमिंग की, शॉपिंग की, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा कि हम वरुण के साथ बहुत सारी मस्ती कर चुके हैं, लेकिन अब वरुण को शायद भूख भी लग रही है और वो मस्ती के चक्कर में अपना खाना खाना भूल गया है। इतना सारा गरबा किया, इतनी सारी जगह घूमे, इतनी सारी शॉपिंग की है, शॉपिंग करी, बचता है खाना खाना। सो चलिए चलिए अब खाना खाते हैं। खाना 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 ही पसंद है, मुझे पनीर सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे लिए एक जस्ट चीज पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज, या विद एक्स्ट्रा। मेरे लिए एक कैंपा कोला बेस्ट सैटेलाइट चीज। मेरे लिए ड्रिंक में आप लाइए पाइन एप्पल जूस। बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा आपसे और खाने पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। जितनी एनर्जी हमने शॉपिंग में, गेमिंग में वेस्ट की थी, यूटिलाइज की थी, वो बस अब हम बराबर कर लेने वाले हैं। तो बस आप कुछ नहीं बात करेंगे, सिर्फ खाना खाएंगे। क्यों वरुण? बिल्कुल। तो वरुण, कैसी रही आपकी मुलाकात IBN सेवन के साथ, और खासतौर पर जो आज वक्त बिताया हमने? जी हाँ, आज का दिन बहुत ही खास रहा मेरे लिए। मुझे तो खैर आज बहुत बहुत मजा आया, आई होप कि आप लोगों को भी इतना मजा आए। और आई वुड लाइक टू थैंक कुणाल एंड द टीम ऑफ IBN सेवन टू ब्रिंग मी हियर एंड मेक दिस डे रियली वंडरफुल एंड लवली डे। आपको वरुण के साथ ये मुलाकात जरूर पसंद आई होगी, उसकी मस्ती और उसके जीवन के कई पहलू को आपने जाना होगा। अगले हफ्ते इसी समय पर हम फिर मिलेंगे एक नए सितारे के साथ, सीरियल जैसा कोई नहीं। मैं